Hello, this is Sukhwinder Kaur, Assistant Professor, Department of Economics, Goswami Ganesh Dutt Sanatan Dharam College, Hariana, Hoshiarpur. G.G.D.S.D College, Hariana is affiliated with Punjab University, Chandigarh. Today, I am going to discuss BA Third Sem's topic, Standard Deviation. What is Standard Deviation? Standard Deviation is the most important and widely used मेजर ऑफ डिस्पर्शन. इसका यूज सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने किया 1893 में. स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट मीन्स के डेविएशन के नाम से भी जाना जाता है. स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज टेकन फ्रॉम द मीन. स्टैंडर्ड डेविएशन को ग्रीक लेटर सिग्मा के साथ डिनोट किया जाता है. Standard deviation is computed by using actual mean method, actual data or actual observation method, or assumed mean method. Assumed mean method. जैसे आप जानते हो हमारे पास तीन प्रकार की सीरीज होती हैं, individual series, discrete and continuous series. In case of individual series, the formula is summation dx square over n minus summation dx over n whole square square root. In case of discrete and continuous series, formula is summation f dx square over n minus summation f dx over n whole square square root. Here dx means x minus a. In both cases, in case of individual, discrete and continuous series, dx means x minus a. दोनों में dx का मतलब x minus a होता है. a means assumed value. What? In case of individual series, n means number of items. But in case of discrete and continuous series, n means summation f. सबसे पहले हम individual series की एक example देखेंगे. हमारे पास गिवन डाटा x की फॉर्म में है. ये गिवन डाटा है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 नंबर्स है जो हमें दिए हुए हैं. इनकी हेल्प से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना है. सबसे पहले हम dx कैलकुलेट करते हैं. dx मींस x माइनस a. a अज्यूम्ड वैल्यू, एनी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, मिड वैल्यू. इन दिस केस, इस एग्जांपल में हमने 264 को अज्यूम्ड वैल्यू माना है. 264 हम इस गिवन डाटा में से निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं. जब हम dx का स्क्वायर करेंगे तो जो माइनस की वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी. -24 × -24 - -24 + 24 × 24 = 576. सिमिलरली -4 = 16. देन इसके अंत में हम dx को ऐड करते हैं, dx स्क्वायर को भी ऐड करते हैं. dx को ऐड करने के बाद हमारे पास dx = 1 एंड dx² = 2689. n नंबर ऑफ आइटम्स. फॉर्मूला एज डिस्कस्ड अबव, समेशन dx स्क्वायर ओवर n माइनस summation dx over n square whole square square root. हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. 2689/10 माइनस summation dx 1 ओवर n 10 whole square square root. 2689 को 10 के साथ डिवाइड करने से 268.9 माइनस इसका स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करने से 0.01. 268.9 में से माइनस 0.01 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमारे पास 16.398 आंसर आ रहा है. सिमिलरली इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, x 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फ्रीक्वेंसी 7, 8, 10, 12, 4, 3 एंड 2. इसमें भी सबसे पहले हम dx निकालते हैं.
dx means x minus a, a any value. इस example में हमने a 6 माना है, x given data में से हम 6 को subtract करते हैं, हमारे पास values आती हैं, 3 minus 6 minus 3, 4 minus 6 minus 2, 5 minus 6 minus 1, 6 minus 6 0, 7 minus 6 1, 8 minus 6 2 and 9 minus 6 3. उसके बाद हम इस dx को f के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमें फार्मूला में चाहिए summation f dx square over n minus summation f dx over n whole square, f dx चाहिए हमें, इसके लिए हम dx को f के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 into 3 minus 21 minus 16 minus 10, then हम इस dx का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 2 2 4 1 1 1, देन इस dx स्क्वायर को हम f से मल्टीप्लाई करते हैं, dx स्क्वायर को f के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास f dx स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इस कैलकुलेशन के बाद हम इन सब को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमारे पास समेशन f dx माइनस 31, समेशन f dx स्क्वायर 139, summation f 46, summation f और n is equal to 46, then हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को एंटर करते हैं, then हमारे पास कैलकुलेशन के बाद 2.5676 वैल्यू आ रही है, उसका स्क्वायर रूट करने के बाद हमारे पास 1.602 आंसर आ रहा है। सिमिलरली कंटिन्यूस सीरीज में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला सेम होता है। कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास क्लास इंटरवल दी होती है और फ्रीक्वेंसी सेम, जैसे डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी दी गई थी इसमें भी फ्रीक्वेंसी होगी। हम इस क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू, जिसे हम एक्स के साथ डिनोट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करने के बाद उसे 2 से डिवाइड किया जाता है। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली 10 प्लस 20 बाय 2 15, 20 प्लस 30 बाय 2 25, सिमिलरली 35, 45, 55, 65, 75, जहां से हमारे पास मिड वैल्यू, जिसे हमने एक्स के साथ डिनोट किया, फ्रीक्वेंसी दोनों सेम वैसे ही हैं जैसे हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में थे। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में भी हमारे पास एक्स और एफ थे, जहां भी हमारे पास एक्स और एफ हैं, जहां से डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज की जो कैलकुलेशन है वो सेम तरीके से होती है, उसी मेथड से होती है जैसे हमने डिस्क्रीट में की है। हम डी एक्स निकालेंगे, फिर डी एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी एक्स आ जाएगा, देन हम डी एक्स का स्क्वायर करेंगे, देन उसे एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन सब को ऐड करेंगे हमारे पास एफ डी एक्स आ जाएगा। देखिए हमने एफ डी एक्स में क्या किया, माइनस की वैल्यूज़ को हमने अलग ऐड किया, प्लस की वैल्यूज़ को हमने अलग ऐड किया, उसके बाद सॉल्व करने के बाद 610 हमारे पास आंसर आ रहा है। हमारी हाइएस्ट वैल्यू जो प्लस में है, इसीलिए हमारे पास 610 प्लस का जो आंसर है वो आ रहा है। देन सिमिलरली हमने एफ डी एक्स स्क्वेयर को ऐड किया तो हमारे पास एफ डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, समेशन एफ डी एक्स स्क्वेयर 36900 आ जाएगा। सेम वही फॉर्मूला जो हमने डिस्क्रीट में यूज़ किया, डिस्क्रीट सीरीज में यूज़ किया, समेशन एफ डी एक्स स्क्वेयर ओवर एन माइनस समेशन एफ डी एक्स ओवर एन होल स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट वैल्यू पुट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 15.69 जो आंसर है वो आ रहा है। इस स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करने के बाद, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद हम कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के साथ डिवाइड किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जब मीन के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ जाएगा। थैंक यू।